सांसद की सुरक्षा में सेंध। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए 4 आरोपी। मास्टरमाइंड की तलाश जारी। आरोपियों की पहचान मनोरंजन दी, सागर शर्मा, नीलम आजम और अमोल शिंदे के तौर पर हुई। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। दी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूरु का निवासी है। दोनों लोकसभा के अंदर थे और उत्पात मचाते हुए पीला धुआं छोड़ा था। दोनों को बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस से विजिटर्स पास मिला था। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मामले में गृह मंत्रालय ने बुधवार को जांच कमेटी बनाई थी और जांच के आदेश दिए थे। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले की अभी तक की जांच में 6 आरोपी सामने आए हैं। 2 युवक लोकसभा के अंदर गए थे और हंगामा किया। 1 महिला और 1 पुरुष ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। ये चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। गुरुवार को पुलिस ने चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी। संसद की सुरक्षा में सेंध की प्लानिंग में 2 और लोग शामिल थे। इनमें से एक विक्की शर्मा ने सभी को अपने घर में ठहराया था। उसे पुलिस ने पत्नी समेत हिरासत में ले लिया है, जबकि घटना का मास्टरमाइंड ललित झा फरार बताया जा रहा है। विशाखापत्तनम अस्पताल में भीषण आग, सीढ़ी लगाकर मरीजों को निकाला गया बाहर। विशाखापत्तनम के जगदम्बा जंक्शन स्थित इंडस अस्पताल में आग लग गई। घटनास्थल पर इमारत से काला धुआं निकलता नजर आ रहा है। कम से कम 3 मंजिलों तक आग फैल गई है। विशाखापत्तनम के एक अस्पताल में गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण अस्पताल में अफरातफरी मच गई। आग अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगी और उसके बाद कुछ स्टाफ सदस्यों और यहां तक कि कुछ मरीजों को भी प्रवेश द्वार पर सीढ़ी लगाकर नीचे लाया गया। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सभी मरीजों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। विशाखापत्तनम के जगदम्बा जंक्शन स्थित इंडस अस्पताल में आग लग गई। घटनास्थल पर इमारत से काला धुआं निकलता नजर आ रहा है। कम से कम 3 मंजिलों तक आग फैल गई है। पैरामेडिक्स की एक टीम को एक मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर दौड़ते भी देखा जा सकता है। अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने बेअदबी की घटनाओं पर मांगी माफी। शिरोमणी अकाली दल के स्थापना दिवस पर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में अकाली दल का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने 2015 में हुए बेअदबी की घटनाओं को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। शिरोमणी अकाली दल के 103वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बेअदबी की घटनाओं के दोषियों की गिरफ्तारी में नाकाम रहने पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक स्थायी सीट श्री अकाल तख्त साहिब की प्राचीर पर गुरु की इच्छा के प्रति खुद को समर्पित करते हुए मैं ईमानदारी से और बिना शर्त खालसा पंथ से माफी मांगता हूँ। माफी इसलिए कि अकाली शासन के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का जघन्य अपराध हुआ था।